हाय नाज़रीन, आज हम आपको बेबी ओकरा बनाने की एक बहुत ही आसान और मज़ेदार रेसिपी देते हैं। इसके लिए सबसे पहले तो हमने एक लार्ज साइज़ का अनियन लिया है, उसको चार हिस्सों में काटा है और उसे प्रेशर कुकर में डाल दिया है। इसके बाद हमारे पास 1 kg लैम का मीट है। बेहतर है कि आप गोट इस्तेमाल करें, हमारे पास नहीं थी तो हमने लैम का ही इस्तेमाल कर लिया है। 1 handful हमने इसमें गार्लिक क्लोव्स डाली हैं, 1 garlic समझें कि हमने लिया होगा। 1 teaspoonful हमने सॉल्ट का लिया है, जो बहुत भर के ना लें क्योंकि इसमें सालन ज़्यादा नहीं होता है। 1 teaspoonful हमने चिली पाउडर का लिया है, 1 teaspoon ही हमने कोरिएंडर पाउडर का लिया है यानी कि धनिए का, और 1 teaspoonful ही हमने सफ़ेद ज़ीरे का लिया है यानी कि क्यूमिन सीड्स का, और 1/3 teaspoon हमने टर्मरिक पाउडर का लिया है यानी कि हल्दी का। आधा कप हमने इसमें पानी का डाला है, आप अपने प्रेशर कुकर के हिसाब से देख लें कि वो कितना पानी लेता है। 2 हमने इसमें मीडियम साइज़ के टोमेटोज डाले हैं और फिर हमने इसको 2 मिनट्स के लिए प्रेशर दे देना है। हमारा कुकर बहुत जल्दी गला देता है और बहुत ही कम पानी में। ये हमने बेबी ओकरा ली हैं और इस किस्म की भिंडियाँ जो हैं ये अमूमन इंडियन ग्रोसरी स्टोर्स पर दस्तयाब होती हैं बाहर के ममालिक में, और इनकी टेल और इनका हेड जो है वो काटा नहीं गया होता। ये छोटी छोटी स्टबी सी भिंडियाँ होती हैं, मोटी मोटी सी ओकरा, और बिल्कुल साबित ही ये पकाई जाती हैं। खुला तेल हमने यानी कि काफ़ी सारा तेल जो है वो हमने एक वॉक में या कड़ाही में ले लिया है और उसको गर्म होने दिया है। प्रेशर कुकर खोला है और खोल के हमने आंच जो है वो हाईएस्ट पे ऑन कर दी है अपने कुक टॉप की, ताकि इसका पानी ड्राई हो जाए और हम इसे भून सकें। दूसरी तरफ हमने भिंडियाँ जो हैं उनको तल लेना है। ये जो पैकेट हमारे हाथ में था इसको हमने 2 lots में तला है, यानी कि आधी हमने तल के निकाल लेनी है और बाकी की आधी जो है वो फिर हमने तलनी है। हम इनको एकदम से ही बहुत सारा ऑयल में नहीं डाल देंगे, इसलिए कि इनमें बर्फ़ होती है और फिर ये है कि इसका टेम्परेचर तेल का ड्रॉप होता है, उससे ये होता है कि ये भिंडियाँ तली जाने की बजाय गल जाती हैं, उबल जाती हैं, तो ऐसा नहीं करना है। थोड़ी थोड़ी करके आप इन्हें तल लें, और बहुत ज़्यादा 1 kilo में डालने की ज़रूरत है भी नहीं, तो 1 packet बहुत काफ़ी है। भिंडियाँ बहुत तेज़ी से फ्राई होने लगेंगी, बबल्स वगैरह बनाएंगी, और कुछ देर के बाद आप देखेंगे कि उनके बबल्स बनाने की स्पीड जो है वो ज़रा कम हो गई है, वो बहुत ज़्यादा शोर शराबा नहीं कर रही हैं। उस वक्त आप समझ लें कि इनका पानी अब कम रह गया है और ये तली जा चुकी हैं, उस वक्त आप इनको ऑयल में से निकाल लें। भिंडियाँ जब आप तल के निकाल लें तो इस तेल में से गर्म तेल का आधा कप जो है वो आपने करीबन इस गोश्त में डाल लेना है और उसी से ही आपने इस गोश्त को भून लेना है। हम उस स्टेप को दिखाने के लिए कैमरे का बटन दबाना भूल गए, लेकिन ये याद रहे कि हमने वही तेल जो है वो डालकर अब गोश्त को भूना है। बहुत ज़्यादा सुखाने की ज़रूरत नहीं है, जब थोड़ी सी ग्रेवी अभी इसमें हो ही और आपको लगे कि इसका कलर डार्क होने लगा है और थोड़ा थोड़ा तेल जो है ऊपर दिखाई देने लगा है गोश्त के, तो उस वक्त आपने इसमें भिंडियाँ डाल देनी है। भिंडियाँ डालकर थोड़ा सा आपने इसको हिलाया है, हिला के आपने इसमें करीबन 1 cup जो है वो पानी का डाल देना है। तो पानी बहुत ज़्यादा ना डालें, आपने गाढ़ा सा एक सालन सा तैयार करना है इसका, भिंडियों का, जो आप रोटी के साथ भी खा सकें और जो आप चावलों के साथ भी खा सकें। हमें वैसे ये उबले हुए चावलों के साथ बहुत पसंद है। तो ये देखिए अब इसको उबाला आ गया है, गोश्त में बहुत अच्छी सी ग्रेवी सी तैयार हो गई है। फ्रेश कोरिएंडर काट कर डाल दें, इसको थोड़ा सा हिला दें और फिर चूल्हे की आंच जो है वो बंद कर दें। तो ये तो थी हमारी रेसिपी, इसकी 2 tips हैं। एक तो ये कि आपने भिंडियों को बहुत ज़्यादा ड्राई नहीं करना है, और दूसरी टिप ये है कि आपने गोश्त को बहुत ज़्यादा नहीं भूनना है। तो ये रहा बेबी ओकरा का सालन। खुदा करे कि ये रेसिपी जो है ये आपको पसंद आए और आपकी बहुत अच्छी तैयार हो। इसके साथ ही हमें इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।